नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को नॉनवेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि अक्सर पेशेंट आता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मैं नॉनवेज खा लूं, मुझे ना कमजोरी महसूस हो रही है। और अक्सर हम उन्हें कहते हैं, नहीं आपने नॉनवेज नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। मगर पेशेंट को कभी ये समझ में नहीं आता कि हम मना क्यों कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझने की कोशिश करते हैं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट नॉनवेज क्यों नहीं ले सकता। अब अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करो। जब आपकी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो किडनी की खून को साफ करने की क्षमता डाउन होनी शुरू हो जाती है। अब शरीर में क्रिएटिनिन हर किसी के बनता है, बट वो साफ होता रहता है, इसी वजह से उसकी जो लेवल्स है वो लो बने रहते हैं। मगर आपकी जब किडनी ने काम करना कम शुरू किया तो जो शरीर गंदगी बनाता है, जो क्रिएटिनिन बनाता है, यूरिया बनाता है, डीली बनाता है, हर सेकंड बनाता है, वो पेशाब के रास्ते बाहर नहीं जा पा रहा। अब शरीर में गंदगी इकट्ठी हो रही है। अब अगर आप कोई भी खाना ऐसा खाते हो जिसमें शरीर में जाके गंदगी ज्यादा बने तो क्या होगा, ज्यादा गंदगी इकट्ठी होगी। अब क्रिएटिनिन होता कहाँ है, कहाँ बनता है हमारे शरीर में, वो जान लेते हैं। हमारे शरीर में क्रिएटिनिन बनता है हमारी मांसपेशियों के अंदर। हमारी मांसपेशियां जब खाना खाती हैं तो उस मेटाबॉलिज्म के अंदर ताकत बनाती हैं। उस मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे शरीर में एक वेस्ट मटेरियल क्रिएटिनिन निकलता है हमारी मसल से। नॉर्मली निकल जाता था यूरिन के थ्रू जब हम ठीक थे, बट जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू हुई तो ये मैकेनिज्म बाहर जाने का वो डिस्टर्ब हो गया और वो क्रिएटिनिन हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब अगर ऐसा पेशेंट मान लो चिकन खाता है, मटन खाता है, तो क्या खा रहा है, चिकन मटन का कौन सा पीस खा रहा है, मसल्स ही खा रहा है। अब मसल्स जो होती हैं वो प्रोटीन होती हैं, हम सब जानते हैं। अब आपने खुद हिसाब लगाओ कि आपकी बॉडी में एक वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है क्रिएटिनिन, जो कि मसल्स में बनता है, और आप दूसरे ऑर्गेनिज्म की क्या खा रहे हो, मसल्स खा रहे हो, तो उसकी मांसपेशियों में जो उसकी बॉडी में जो गंदगी है वो भी आपकी बॉडी में चली जाएगी। अब जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है मसल्स का, वो बड़ा होता है तो उसको तोड़ने फोड़ने में जब हम जितना टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, तो उतना ज्यादा गंदगी उसमें से निकलेगी। अब वो हमारे शरीर से बाहर तो जा नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि हमारी किडनी काम कर रही है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल खासकर क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने प्रोटीन का इंटेक किया था, हमने मसल्स का इंटेक किया दूसरे ऑर्गेनिज्म की, तो हमारे शरीर में क्या हुआ, गंदगी ज्यादा बनी, इसलिए हमारी गंदगी ज्यादा बढ़ गई। रिपोर्ट में प्रोटीन खाने से, नॉनवेज खाने से किडनी खराब नहीं होती है, बट क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी दिक्कत नॉनवेज खाने से क्या होती है कि आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्सर नॉनवेज को थोड़ा सा नमक ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि उसे टेस्ट देना होता है, उसके अंदर तक घुसाना होता है कि उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से है। इस प्रोसेस में आपने नमक का इस्तेमाल भी ज्यादा किया, नमक ज्यादा इंटेक किया, बीपी बढ़ा, और बीपी की बढ़ने से हमारी कंडीशन खराब होनी शुरू हो गई। तो आप अगर किडनी फेलियर का पेशेंट हैं तो आप गलती से भी किसी भी टाइप के नॉनवेज का इंटेक नहीं करेंगे, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो फिश हो। एग्स एक ऐसा नॉनवेज है जो कंडीशनल होता है, यानी अगर पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो हम दे देते हैं। कब, जब उसकी बॉडी में टोटल प्रोटीन कम हो, नॉर्मल से कम हो। क्यों, अगर टोटल प्रोटीन हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारी बॉडी में सूजन आनी शुरू हो जाती है, पैरों में सूजन आएगी, और सूजन जो आ रही है वो पानी भरने की वजह से आ रही है, और जैसे हम लेटता है पेशेंट, वो पानी जो पैरों में भरा हुआ था वो छाती में भरना शुरू हो जाता है। तो हमने अपनी बॉडी में टोटल प्रोटीन प्रॉपर रखना होता है, जिससे हमारी जो कॉम्प्लिकेशन है जो किडनी फेलियर पेशेंट में आती है वो ना आए। तो उस केसेस के अंदर एग्स जैसे प्रोटीन होते हैं वो दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि एग्स जो होता है 100% एब्जॉर्बेबल प्रोटीन होता है, मगर तभी लेना है जब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। आपको समझ में ना आता हो तो खुद ब खुद डिसीजन मत लेना, ये काम डॉक्टर पे छोड़ देना, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देख के बताएगा कि आपको प्रोटीन लेने की जरूरत है या नहीं है। अब अगर आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है तो उसे नीचे लेकर आना भी जरूरी है, और क्रिएटिनिन को डाउन करने का सबसे आसान तरीका किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाना ही है, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेगी, किडनी क्रिएटिनिन ज्यादा बाहर निकालेगी और आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा डाउन होनी शुरू होगी। बाकी डाइट सपोर्टिव होती है, हेल्प करती है गंदगी इकट्ठी शरीर में ज्यादा ना हो। अब इन दोनों में से किसी एक चीज को भी निकाल दोगे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। डाइट ऐसी लेनी होती है कि गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठी ही ना हो, और अपने किडनी फंक्शंस को बढ़ाना पड़ता है, जिससे क्रिएटिनिन और यूरिया की जो क्लियरेंस है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाए और आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन की मात्रा डाउन होनी शुरू हो जाए, आपका GFR बढ़ जाए। अभी कैसे होता है कैसे नहीं होता, उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ पेशेंट्स को मिले, उनकी रिपोर्ट को देखें।
तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूँ। 3 महीने के इलाज के अंदर, 1 महीने के अंदर हमने डायलिसिस बंद कर दिया और 2 महीने से कोई डायलिसिस नहीं, आप आराम से सर्वाइव कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेवल आराम से मेंटेन हो रहे हैं। बाकी जो मरीज होते हैं जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, करवाने वाले हैं, जिनको बहुत डर होता है किडनी फेलियर से, डायलिसिस से, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, एक बार यहाँ पे ट्राई करने में कोई मेरे लिए तो सक्सेसफुल ही हुआ और यहाँ आएगा तो फायदा मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना डायलिसिस करवाया। डायलिसिस रुकने से पहले इनका किडनी लेवल 12 के आसपास था और तकरीबन 1-2 महीने के इलाज के अंदर इनका जो डायलिसिस था वो पूरी तरह से रुका। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चलते हैं मनोज जी के पास और उनसे जानते हैं कि उनके लाइफ में साइंस इंजीनियरिंग ने इन्हें क्या परिवर्तन किया। तो मनोज जी, आपको कब पता लगा था किडनी खराब हो रही है आपकी? मेरे को जी पता लगा था फरवरी में। फरवरी कौन सा साल? ट्रांसप्लांट के लिए बोला तो मेरा 530 तो यूरिया था। 530 यूरिया? हाँ जी। और कितने? 12 था शायद। 12 के आसपास था। डायलिसिस शुरू हो गया था? डायलिसिस शुरू हो गया था हर दूसरे दिन। हर दूसरे दिन, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो जाता आपका? हाँ जी। और फिर कब तक चला वो फरवरी से लेकर? वो चला जी, ये देख लो यहाँ 3 महीने हो गए मेरे को यहाँ। हाँ, मैं 4 महीने चला हुआ। 4 महीने आपका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चलता है। फिर आप यहाँ पर आए? हाँ, यहाँ पे आने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में। जून में आ रहा हूँ। मई के आखिर में, जून में, मई के लास्ट में 29 तारीख को मंगाई थी मैंने। मैंने 1 तारीख से स्टार्ट की थी दवाई लेना जून में, 1 जून से शुरू किया। फिर मेरी डायलिसिस होने लगी लेने के बाद 15 दिन में। 15 दिन में एक बार? हाँ, जो हफ्ते में पहले 3 बार होता था वो 15 दिन में एक बार चला गया। एक बार? और अब कितनी बार तो बंद है पूरा? अब तो बंद हो गई। मैं आपको थोड़ा सा मनोज जी के बारे में बता देता हूँ। इनकी किडनी जो खराब हो रही थी वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही थी। ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से इनकी किडनी श्रिंक होने लगी। जैसे किडनी श्रिंक होती चले गई, इनकी किडनी लेवल बढ़ते चले गए और इनको डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। अब शरीर में वजन बढ़ रहा है पहले से? हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट है शरीर में। जो डायलिसिस आपका हफ्ते में 3 बार चल रहा था, कमजोरी जो आती है, अब वो कमजोरी शरीर में है नहीं है? नहीं, अब कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं काम पे जा रहे हो? नहीं जा रहे? काम पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि घर वाले मना कर रहे हैं, बोला अभी और थोड़ा सा लॉकडाउन है, थोड़ा सा कर लो। ठीक है, अभी कहीं शरीर में सूजन? मैं सूजन वगैरह कहीं नहीं है। खाना प्रॉपर हो रहा है? खाना फ्रेश बहुत अच्छी तरह से पूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप आपके लेवल किस लेवल पे मेंटेन हो रहे हैं? यूरिया तो जी आपने देखो, मैंने रिपोर्ट मिली आपके पास है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, यूरिया तो आपका तकरीबन 100 के आसपास है। 100 के आसपास है। क्रिएटिनिन हमारा जो मैनेज हो रहा है वो तकरीबन 6-7 के हिसाब के आसपास मेंटेन हो रहा है। 7 के आसपास मेंटेन हो रहा है। ठीक है, डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और कब से बंद हो गया तकरीबन बता दो? ये डायलिसिस बंद हो गया तो ये 2 महीने के आसपास हो गए। 2 महीने हो गए कोई डायलिसिस नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ यह होता है कि साइंस इंजीनियरिंग ने इनकी किडनी का ऐसा क्या किया कि ये डायलिसिस रुक गया? जब हम ऐसे किसी किडनी को देखते हैं जिसके अंदर श्रिंकेज होती है, जिसके अंदर इस्टीमिक नेफ्रोपैथी हो रही होती है, तो किडनी के अंदर नुकसान के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो कम्प्लीट पूरी तरह से मर गया है, एक हिस्सा वो होता है जो ब्लड प्रेशर की वजह से बीमार है, काम पर नहीं है। तो जो हिस्सा मर गया है उसको कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन जिंदा नहीं कर सकती, मगर जो हिस्सा बीमार पड़ा है, काम पर नहीं है, उसे काम पर लाया जा सकता है अगर हम सही तरीके से चलते हैं। वही किया गया मनोज जी के साथ, जब उनको मेडिसिन देनी स्टार्ट की, जो हिस्सा पहले बीमार था, काम नहीं कर रहा था, फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा था, क्रिएटिनिन को नहीं बाहर कर रहा था, उसने काम करना शुरू किया और देखते देखते महीने भर के अंदर हमारा जो डायलिसिस है वो बंद होना शुरू हो गया। तो यही हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि किडनी जब आपकी डैमेज है तो आप लेके चलो कि इसके 2 टाइप का डैमेज उसके अंदर है। एक हिस्सा वो होगा जो पूरी तरह से मर चुका होगा और एक हिस्सा वो होगा जो काम नहीं कर रहा, बीमार है, जिंदा है।
तो जो जिंदा है, बीमार है, काम नहीं कर रहा, उसे काम पे लेना आसान होता है। जैसे जैसे वो काम पर आएगा, किडनी लेवल आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ हमें किडनी फेलियर पेशेंट में कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है, किडनी आगे खराब ना हो, क्योंकि किडनी लेवल आपने अपने से अगर देखे होंगे तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो किडनी लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बढ़ना रोकना, उसके लिए सही तरीके से हर चीज़ की पहचान करना है, किडनी का नुकसान क्या चीज़ पहुँचा रही है, क्यों पहुँचा रही है, उस पर काम करना है। तो तीन चीज़ें, बीपी, शुगर और सीरम मेटाबॉलिक के लेवल कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट मेंटेन कर लेता है तो किडनी में नुकसान होना बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किडनी को दोबारा से फंक्शनल बनाया जा सकता है, किस तरह से डायलिसिस को रोका जा सकता है। अब मैं चलने की आपसे आगे मांगता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। तो आपने खुद देखा कि अगर हम सही तरीके से अपनी किडनी पे काम करते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, तो किडनी चाहे जितना मर्जी ही क्यों ना हो, वो डाउन होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। क्योंकि अगर किडनी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो डायलिसिस दूर नहीं होता, ट्रांसप्लांट दूर नहीं होता। तो आपको पहले अपनी कंडीशन को समझना पड़ेगा कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है। क्या उसे बीपी ने खराब किया है, क्या उसे शुगर ने खराब किया है, या फिर कोई और बीमारी ने आपकी किडनी को खराब किया। पहले तो आपको वो रूल आउट करना पड़ता है कि किडनी को नुकसान किसने पहुंचाया। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी आपका बढ़ा रहता है, बीपी की मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपका बीपी बढ़ा रहता है, तो आप कभी भी गलती से ये मत सोचिएगा जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे आपका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीपी जब जब बढ़ेगा तब तक वो किडनी को नुकसान पहुंचाएगा, और जैसे जैसे किडनी को नुकसान पहुंचेगा क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़ती ही चली जाएंगी। और ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, और इस पर मैं डिटेल कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी किडनी किसने खराब की। इसको आज हम गहराई में नहीं जाएंगे, बस आपने ध्यान किस चीज का रखना है, आपने ध्यान इस चीज का रखना है कि आप अपनी बॉडी पे, अपनी किडनी पे काम करो और नॉनवेज जैसी चीजों को अपने माइंड से बाहर निकाल दो, क्योंकि उससे इतना नुकसान होगा जिसका हिसाब लगाना आप सभी के लिए अभी मुश्किल है। अभी आप टेस्ट के लिए मेरे से मांग लेते हो, मैं मना करता हूँ, चोरी चुपके कभी कभार आप खा लेते हैं, बट इसका नुकसान आपको अपनी रिपोर्टों में देखने को बहुत आराम से एक ही महीने के अंदर मिल जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनका भी ट्रीटमेंट श्रेयास में चल रहा है, साइंस इंजीनियरिंग में चल रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपा करके अपनी लाइफ से नॉनवेज बाहर निकाल दो, क्योंकि जैसे आप उसे इंटेक करोगे आपकी रिपोर्टें खुद ब खुद बता देंगी कि इससे आपकी किडनी को कितना नुकसान हुआ है। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।